बड़ी खबर यह है कि आचार संहिता उल्लंघन का मामला था, उसको लेकर ताजा जानकारी निकलकर अब सामने आई है। वो जानकारी क्या है, सुन लीजिए। आईपीएस और एचसीएस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश अब हो चुकी है, मुश्किलें बढ़ चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने सिफारिश कर दी है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं और कमी पाई गई है। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल हैं, उनकी मदद करने के आरोप किस पर लगे हैं ये भी जान लीजिए आप। आईपीएस राजेश दुग्गल सुनीता दुग्गल के पति हैं, उन पर आरोप लगे थे। हिसार में 3rd बटालियन में तैनात है ये आईपीएस। इसके अलावा आपको जानकारी दे दी कि एचसीएस सुमित कुमार सुनीता दुग्गल के भाई है, यानी कि रिश्ते हैं दोनों के, और इस रिश्ते का फायदा पहुंचाया गया सुनीता दुग्गल को। हिसार में हुड्डा प्रशासक है सुमित और फतेहाबाद का है अतिरिक्त कार्यभार। अब देखिए किस तरह से ये मदद पहुंचाई गई है। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों आमने सामने हैं, राजनीतिक लड़ाई है, एक जंग है, लेकिन इसके बीच चुनाव आयोग अपनी निगाहें टिके टिकाए हुए है। ओपी शर्मा ज्यादा जानकारी देंगे। ओपी शर्मा, और क्या क्या जानकारी दर्शकों को बताएं, पूरा मामला था क्या और कैसे मदद पहुंचाई गई थी और अब कैसे कार्रवाई हुई? देखिए कमल, करीबन 10 दिन पहले कांग्रेस ने और आज जो है इंडियन नेशनल लोकदल ने भी सुनीता दुग्गल के खिलाफ जो है शिकायत दी थी कि उनके पति और उनके भाई जो दोनों हैं वो कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों और आसपास के जो मतदाता हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। तो कांग्रेस की शिकायत और इनेलो की शिकायत के ऊपर इन जो चुनाव हरियाणा चुनाव आयोग है उसने इसकी जांच डीजीपी ऑफिस को भेजा। डीजीपी ऑफिस ने इसके लिए मधुबन पुलिस अकादमी से डीआईजी को इसके लिए बकायदा मुकर्र किया। डीआईजी ने जांच में कुछ ऐसे तथ्य पाया जो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहे थे। जांच के दौरान डीआईजी ने पाया कि हिसार में जो सुनीता दुग्गल के जो आईपीएस पति राजेश दुग्गल है उनके घर के बाहर कुछ राजनीतिक बीजेपी पार्टी की चुनाव झंडे लगी गाड़ियां खड़ी थी। इसके अलावा यह भी पता लगा है कि जो हिसार में आईपीएस राजेश दुग्गल का जो मकान है उसके अंदर भी कुछ चुनाव संबंधी बैठकें हुई हैं। इसको लेकर बकायदा एक जांच की, जांच में आने के बाद आज हरियाणा के चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव रंजन है उन्होंने संबंधित विभागों को इसके बारे में जो है कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर दी है। एचसीएस जो सुमित कुमार जो सुनीता दुग्गल बीजेपी प्रत्याशी के भाई हैं उनके खिलाफ जो है हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस देसी को लिखा गया। वहीं आईपीएस राजेश दुग्गल के खिलाफ शिकायत करने के लिए हरियाणा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस और डीजीपी हरियाणा को लिखा गया। देखने वाली बात यह होती है कि ये दोनों विभाग इन दोनों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करते हैं। जी यानी कार्रवाई तो होगी निश्चित है, लेकिन क्या होगी अभी ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा, आपने विस्तार से जानकारी दी है इस पूरे मामले के बारे में।